a platform to sharing your thoughts. कला और साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम आज डायलॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच राजस्थान कबीर यात्रा के कन्वीनर गोपाल सिंह चौहान हैं, लोकायन संस्थान के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे अजीज भी। गोपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी। गोपाल, कबीर कहते हैं कि हम न मरही मरही संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। और वो जिलावन हारा उनकी वाणी है, उनके शब्द है। तो गोपाल जी, पश्चिमी राजस्थान की जो ये वाणी परंपरा है, उसके बारे में आपने क्या अध्ययन किया या आपने उसको कैसा जाना, ये आप उस परंपरा को थोड़ा सा शेयर कर। देखिए, ये कबीर की जितनी भी मौखिक परंपरा का जिक्र जो आप कर रहे हैं, उसका मैं कोई अध्येता, कोई एकेडमिक अध्येता नहीं। मैंने कबीर की बहुत कम किताबें या मुश्किल से एक दो किताबें पढ़ी होगी, वो भी जब मुझे रेफरेंस चाहिए होता है। तो अदरवाइज जो भी मैंने समझा, सीखा, मैंने अनुभव लिया, वो यहाँ कबीर को गाने वाले लोगों से और कबीर को समझने वाले लोगों से बातचीत करके मिला। तो इस पूरे इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो पूरा इलाका आता है, वहां पे कबीर की परंपरा बहुत गहरे तक बैठी हुई है। और इसका बहुत सारा श्रेय कबीर की मौखिक परंपरा को जाता है, जहाँ पे वाणियां एक तरह से एक अंदरूनी गांव की यात्रा करते करते एक अलग रूप ले लेती है और जनमानस तक वो पहुंच जाती है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि कबीर दरअसल लोक के कवि हैं जी। और ये लोक की ही बात मुझे लोक से समझ में आती है। तो बहुत विस्तृत, बहुत ही गहरी परंपरा मुझे इस इलाके में दिखाई देती है। और दरअसल हम इसको सत्संग परंपरा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सत्संग करने की एक परंपरा है हमारे इस इलाके में। तो सत्संग में जो तंबूरा मेरे पीछे पड़ा है, इस तंबूरे को रात भर बजाते बजाते लोग सत्संग करते हैं। और एक परंपरा में ऐसा होता है कि जैसे अगर एक पूरा 50 गाने वालों का अगर झुंड बैठा है सत्संग कर रहे हैं, तो ये तंबूरा उन वाणी के साथ साथ ट्रेवल करेगा। ये तंबूरा मैं गाऊंगा, उसके बाद किसी दूसरे गायक के पास जाएगा और उसको मैं जो वाणी गा रहा हूँ उसके ऊपर की वाणी गानी पड़ेगी, उससे नीचे की वाणी वो नहीं गा सकता। तो इस तरह की मौखिक परंपरा में कैसे इन वाणियों को याद किया जाता है, कैसे इन वाणियों की गहराई को समझा जाता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि वाणी 5 घंटे के सत्संग के कार्यक्रम में वाणियां तो सिर्फ 3-4 गाई जाती है, 3-3 घंटे उस पर डिस्कशन होता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, सत्संग से डिस्कशन गायब नहीं होनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है। बहुत सुंदर जी। मुझे भी याद आता है कि जब भी जिस भी मर्तबा मैं जोधपुर या बीकानेर की तरफ जाता था, अपने गांवों की तरफ जाता था, तो बहुत झीनी झीनी सी आवाज कहीं दूर से आती थी, रात में सुनाई देती थी, और वो पूरी पूरी रात जो चलती रहती थी। तो ये क्या गोपाल जी आज भी उधर उस इलाकों में, उन इलाकों में एग्जिस्ट करती है वैसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक और परंपरा है कि जब मृत्यु के बाद घर में अगर किसी की डेथ हो गई, तो उसके बाद 12 करने का कार्यक्रम, भजन गाते हैं जी। वाणियों में भी अलग अलग भजन है, जैसे काया के भजन अलग है, गुरु के भजन अलग है, और आपके योग के भजन अलग है। तो सब अलग अलग कैटेगरी। तो जब किसी के डेथ के बाद काया के भजन गाए जाते हैं, तो आज भी यहाँ के गांव गांव में आप देखोगे कि अगर गांव में किसी की डेथ हो गई है तो पूरा गांव मिलके सत्संग करता है 12 दिन तक। तो आज भी जब हम भी छत पे जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं से उनकी आवाज सुनाई दे जाती है। और इसमें बड़ी बात ये होती है कि इसमें मॉनेटरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता,
कोई भी कलाकार पैसे लेके नहीं गाता, सब अपने मन से अपनी खुशी से रात भर गाते हैं जी, जी। हम उसको बोलते हैं कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है जी, जी। वाकई अभी भी बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में प्रचलन में है, और गांव में तो ये और आपको देखने को मिलेगा। गोपाल जी, कबीर जो प्रोजेक्ट था, आपने कुछ बुकलेट्स बनाई थी अलग अलग वाणियों के ऊपर, आपने कुछ सीडीज बनाई, और एक बहुत बृहद स्तर पर आपने डॉक्यूमेंटेशन का काम भी किया, लोक कलाकारों के का डॉक्यूमेंटेशन जो था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस प्रक्रिया को आप थोड़ा सा हमारे साथ में शेयर करें कि वो प्रक्रिया कैसी रही, कैसे आप उन तक जुड़े और क्या आपके उसमें अनुभव रहे। देखिए, जब मैं गांव में जाता था ऐसे देखने के लिए, जैसे हमारे जो गुरु जी है वो कहते थे कि कुछ देखने के मत जाओ, कुछ भी देखने के लिए जाओ गांव में। जब मैं कुछ भी देखने के लिए निकलता तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती। उसमें एक बात थी कि बहुत सारी महिलाएं वाणी गाने वाली मुझे मिली, बेसिकली तो ढोली समुदाय की महिलाएं थी। लेकिन जब मैं उनके घर में पूछता था उनके बच्चों से कि बोले, मैं पूछता था कि भाई आपके पास उनकी कोई रिकॉर्डिंग है, बोले हमने तो कभी रिकॉर्डिंग की नहीं। मेरी दादी, मेरी परदादी बहुत वाणियां गाती थी लेकिन हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग नहीं। तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत जरूरी काम है, कि जो अभी जो बहुत ही 70 साल की 80 साल की महिलाएं हैं वो तो चली जाएगी अगले आने वाले कुछ सालों में, तो उनको क्यों ना जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मैं अपना एक छोटा सा लैपटॉप, एक हेडफोन और एक सीडी, उसमें सीडी ड्राइव हुआ करती थी, वो लेके मैं अपने दोस्त जयदीप के साथ गांव में जाता, उनको वही रिकॉर्ड करके उनकी एक कॉपी में उनको दे देता था, ताकि उनकी फैमिली के पास एक रिकॉर्ड रहे। तब हमने ये शुरू किया कि हम कम से कम महिलाओं, वो महिलाएं जो इन वाणियों को गाती है, उनका हम डॉक्यूमेंटेशन कर लें। फिर एक दिक्कत और आई कि हमारे इस वाणी परंपरा में इन जो वाणियां गाई जाती है उनकी भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है। वो मेरे जैसे जो, मैं उस समय शायद 18-20 साल का रहा होगा, मुझे वो वाणी बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी आप उसे जुड़ नहीं पाओगे। तो मैंने ये काम किया, शुरू किया इसको आसान भाषा में, इसके अर्थ क्या है, वो अर्थ अगर आपको समझ में आ गए तो आप उसे जुड़ जाओगे। तो ये अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना उस वाणी का। और अगर आपने अर्थ समझ लिया, जब मैं इन वाणियों का अर्थ समझने लगा तो मुझे लगा कि इससे बड़ी सच्चाई तो दुनिया में है ही नहीं यार, ये तो आपको जिंदगी से बहुत नजदीक से जोड़ती है। तो वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमने उस प्रोजेक्ट के थ्रू कम से कम 5 से 6 कलाकारों को, स्पेशली महिला कलाकारों को, की वाणियों को रिकॉर्ड किया, उनका बुकलेट निकाला, उनका ट्रांसलेशन निकाला और हमने जनता के सामने रखा। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। गोपाल, यात्रा के दौरान कौन कौन से ऐसे लोक कलाकार या लोक गायक रहे जिन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिलों में उस निर्गुण के जो भाव, निर्गुण के भाव को सर्वोच्च, उस सर्वोच्च भाव को संप्रेषित किया, उसको बढ़ाया, और किसी किन्हीं कलाकारों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो जो जिन्होंने आपको भी छुआ और लोगों को भी उस मर्म को पहुंचाया लोगों तक। हाँ, मतलब मुझे याद है कि जब मैं सबसे पहले जिस कलाकार ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई, मैं उसको चोट नाम दूंगा, बिल्कुल, वो थे प्रहलाद सिंह टिपाणिया। उनकी आवाज जब मैंने सुनी उनके गांव में जाके, तो मेरे अंदर तक, मतलब जिसको बोलते हैं कि आपको एकदम आर पार, बहुत बड़ी मेरे साथ एक अनुभव रहा प्रहलाद जी के साथ मिलना और उनकी वाणियों को उनके गांव में सुनना, और वहां से मुझे एक धुन लगी। उसके बाद राजस्थान के कलाकारों, मुझे महेशराम जी से मुझे बहुत सीखने को, समझने को मिला। महेशराम जी के गांव में जाके उनके तंबूरे पे वाणियां सुनना, वो मुझे लगता है राजस्थान के बहुत सीनियर पद्माराम जी और महेशराम जी, पद्माराम जी अब नहीं रहे जी। बट महेशराम जी की वाणियों में जो एक मिठास और जो गहराई है वो मुझे बहुत कम कलाकारों में मिलती है। ओम प्रकाश जी हैं अपने बीकानेर से, जो आज भी तंबूरे पे गाते हैं, शहर में रहते हुए तंबूरे पे गाते हैं, उन्होंने मुझे बहुत छुआ। गबरा देवी जी हैं बीकानेर में महिला कलाकारों में, जमाली बाई हैं जी, और बहुत सारे कलाकार जो जिनसे मैं मिलता रहा और जिनसे मैं सीखता रहा, अनुभव लेता रहा, जो हमारे कबीर यात्रा में आते रहे। मुरालाला मारवाड़ा जी हैं अपने वहां से, बुद्ध से, शकूर खान जी हैं जो साल लतीफ भिटाई को गाते हैं। तो ऐसे अच्छा। बहुत सारे कलाकार मेरे संपर्क में आते हैं और हर एक कलाकार में एक जादू है, मुझे ऐसा लगता है।
दान सिंह जी जो अब नहीं रहे बाड़मेर से, जो दान सिंह जी है जो जिनकी डेथ पिछले साल ही हुई, मैंने उनको जब पहली बार सुना तो मुझे लगा कि किस दुनिया के इंसान है ये, उनकी आवाज मतलब एक अद्भुत। तो ऐसे बहुत सारे सीनियर कलाकार हैं जो शायद जो जनता तक पहुंच नहीं पाए, और हम राजस्थान कबीर यात्रा के थ्रू कोशिश कर रहे हैं लोगों तक इनकी आवाज पहुंचाने की। राम भजा सुखयूप दे, राम भजा सुखयूप दे, और चढ़े सवायो रंग ऊंच नीच मिल तिर चले, तो कर सतपुरुषारो संग। संग तारे और कुछ संग बोरे, आपा जैसी संग करा बेसी रंग लागे बिरो। मिट गए यो सारो अभिमान मान रे, मिट गए यो सारो अभिमान, हरी जीसू खेती लगायो प्रेम बढ़ायो। गोपाल, कबीर वाणी में बार बार जिक्र आता है उलटबासी होने का, उलटबासी। तो ये उलटबासी होना क्या है? दरअसल ये तो वो ज्ञान का वो असल रास्ता ही है, तो आप इस यात्रा में उस उलटबासी को कैसे, उसको थीमेटिकली या उसे कैसे मैनिफेस्ट होता हुआ देखते हैं? मुझे मान लो कबीरदास जी मुझे कभी कभी जादूगर से लगते हैं जी, कि वो एक तरह से जादू की बात करते हैं, एक तरह से माया की बात करते हैं, मायावी लैंग्वेज में बात करते हैं। जो लैंग्वेज, देखो कबीर की खास बात क्या है कि वो आपको सामान्य जो एक लोक है गांव में उस भाषा में भी बात कर लेंगे, और जो बहुत बौद्धिक अपने आप को समझते हैं, जिनको लगता है कि ज्ञान को आप बुद्धि के साथ खेल सकते हैं, तो कबीर बोलते हैं कि भाई आजा, तू भी आजा, तेरे से फिर मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा, तेरे को लोक की भाषा समझ में नहीं आती तो चलो ठीक है मैं इसी भाषा में बात करूंगा। तो उलट बांसी में कबीर चैलेंज करते हैं उसी ज्ञान को, उस बौद्धिक ज्ञान को, जिसको हम समझते हैं कि ये 1+1=2 होता है। कबीर बोलते हैं नहीं, तुम्हारी किताब बोल रही है कि 1+1=2 होता है, बट मेरा, मैं जो कह रहा हूँ वो 1+1=2 नहीं है, वो 1+1 शायद 0 है। यहां से आपको सब कुछ घुमा देता है। जैसे उनकी एक उलट बांसी है, राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नहीं मूर्खाई, पहले तो गुरु जी मैं जन्मया पछे बड़ा भाई, धूमधाम से पिता रे जन्मया सबसे पीछे माई। मतलब पहले मैं जन्मा, फिर मेरा भाई जन्मा, फिर मेरे पापा जन्मे, फिर मेरी मम्मी जन्मे। तो ये उलट बांसी सब कुछ उल्टा होकर वो देख, तो कुछ उल्टा हो गया जी। तो हाथी को चींटी लेके जा रहा है, कैसे लेके जा सकती हाथी को चींटी, लेकिन ये उस लैंग्वेज में बात करते हैं। फिर उनके लिए मेटाफर अलग है, फिर वो कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है, और कौन तुम, उन पूरी थॉट प्रोसेस को आपको फिर वो घुमा देते हैं, फिर सामान्य लैंग्वेज में बात नहीं होती। तो उस हिसाब से मुझे, जब मैं कबीर यात्रा के संदर्भ में अगर में बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे रियलिटीज, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं मेरे साथ इसको ऑर्गेनाइज करने में, और मुझे उलट बांसी मदद करती है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ और मैसेज देना चाहता रहे। जैसे एक एग्जाम्पल होता था उलट बांसी का, कि राजस्थान कबीर यात्रा में पुलिस का जुड़ना एक उलट बांसी है जी। कि पूरी पूरी हिंदुस्तान को यह आश्चर्य है कि राजस्थान पुलिस कैसे इस तरह के म्यूजिक फेस्टिवल कर सकती।
उसका पुलिस का तो लेना देना है ही नहीं म्यूजिक से, उनका तो डंडे से लेना देना है, मारपीट से लेना देना है, चोरों को पकड़ने का है लेना देना। तो पुलिस कैसे जुड़ गई, मतलब पुलिस क्या कर रही है राजस्थान के विधायक, ये उलट फांसी है मेरे हिसाब से, इसके अर्थ कुछ और है लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आई थिंक इट्स, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कबीर की, जो अलग अलग लैंग्वेज में कबीर बात करते हैं उसको आपको उसी डेप्थ में उसी रियलिटी में जाके समझना पड़ेगा। गोपाल जी, जहां तक मैं आपको अभी देख पा रहा हूँ, आप बहुत ही सहज हैं, पीछे तंबूरा है, गले में आपके एक दुपट्टा डला है, बहुत यहाँ पर एक बड़ी सादगी है, लेकिन जब यात्रा होती है तो जो यात्रा का जो ओवरऑल कलेवर हमारे सामने आता है तो उसमें एक बड़ी भव्यता दिखाई देती है, एक बड़ा आकर्षण दिखता है, एक मैग्नेटिज्म होता है, एक चार्म होता है, जो मैंने फील किया पढ़ के देख के जान के। गोपाल जी, जहां आपके लिए कबीर यात्रा या कबीर एक पैशन है, जो पैशन है आपका आपने बताया अभी, वहीं आजकल जो युवा कबीर से जुड़ना चाह रहे हैं तो वहां पर एक फैशन का कहीं सिंबल जुड़ता है कि हम कबीर यात्रा में जाएंगे, बड़ा सा DSLR कैमरा लेके जाएंगे, तो एक बड़ा फैशन एक प्रचलन चला है, तो उसको आपने कैसे देखा, क्या कबीर का जो एसेंस है वो वहां तक पहुंचता है क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल से मैं हर साल हर वक्त ये सवाल मैं अपने आप से भी करता हूँ कि मैं क्या सच में कबीर यात्रा एक सही रास्ते पे है, वही है जो मैं सच में जिसको मैंने इमेजिनेशन किया था, जिसको सोच के मैं चला था, तो इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर मेरे पास नहीं है। बट जो मुझे लगता है वो ये है कि मैंने इस कबीर यात्रा को क्यों शुरुआत की थी, उसके पीछे मैंने इसको यात्रा ही क्यों किया, मैंने इसको फेस्टिवल नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि यात्रा में जैसे हमारी परंपरा में भी यात्रा एक यात्रा के साथ कुछ चीजें जुड़ी एक फिलोसॉफी है कि यात्रा में जैसे पार्वती बाउल ने मुझे एक बार कहा था कि यात्रा के साथ यातना जुड़ी रहती है, तो बिना यातना कोई यात्रा नहीं होती। तो ये यातना क्या है, जहां पे आपको कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, आपको कब खाना मिलेगा, आपको रहना कहाँ होगा, आपको सोना कब होगा, सोना होगा भी या नहीं होगा, जो गारंटी है आज के टाइम में गारंटी चाहिए, जो गारंटी है वो सिर्फ 24/7 म्यूजिक की है। मैं म्यूजिक में मुझे नहीं पता कि मैं खाने की अच्छी व्यवस्था करूंगा या नहीं करूंगा, या रहने को आपको अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट म्यूजिक आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और वही एक कनेक्शन है मेरे लिए, अल्टीमेटली यात्रा एक ट्रेवलर एक्सपीरियंस नहीं है, एक ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें वही लोग आए जो सीकर्स हैं जी। ये सीकर्स की बात है, तो फिर भी कुछ लोग आते हैं जिनको लगता है कि यार ये मैं जाके थोड़ा सा एक टाइम पास करके आ जाता हूँ, तो उनके साथ वही होता है, वो फिर दो चार दिन में निकल भी जाते हैं, वो टिकते नहीं। ये बहुत कबीर दास जी कहते हैं ये बहुत सिलहली सी गेल है, जहाँ पाँव न टिके पपील का क्यों मनवा लादे बैल, तो जो इस तरह का मन में वो लाद के आएगा ना कि मुझे ट्रेवल करना है, मुझे फोटो खींचना है, वो टिक भी नहीं पाएगा, वो बहुत पतली सी एक है ना, जहाँ पे आपको होटल नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको खाने पे टाइम पे नहीं मिलेगा, सोना तो है ही नहीं, तो भाई साहब आप अपने आप ही बाहर निकल जाओगे। तो ये फिल्टर अपने आप लगे हुए हैं कभी यात्रा में, और मैं इसको कोई लग्जरी नहीं बनाता, मैं इसको मिनिमम लग्जरियस, मिनिमम जिसको बोलते ना एकदम एसेंशियल्स, जहाँ पे आपको खाना जरूरी है, रहना जरूरी है, सोना जरूरी है, वो भी हम कम्युनिटी हॉल में सो जाते हैं, कभी कभी पुलिस थानों में सो जाते हैं, तो बहुत ही रस्टिक सा, अभी भी मैंने उसको ज्यादा लग्जरी बनाया नहीं है। और जहां तक भव्यता की बात है, ये भव्यता हमारी टीम लाती है बहुत ही मिनिमम खर्चे से, हम सारे मटेरियल यूज करते हैं उसी गांव के, जिस गांव में हमें वहीं से हमने घास फूस उठाया, वहीं से हमने कपड़े लिए, वहीं की हमने क्राफ्ट ली, पीछे बैकग्राउंड लगा दिया, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने बहुत जगह पे, आप उस समय थे 2012 की यात्रा में, जब हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो जहां आसन लग गया, धुनी लग गई, वहीं पे हमने शुरू कर दिया। तो हमारे लिए ये है कि हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा है। धुनी से एक बात मुझे याद आई कि आज सबको कबीर चाहिए जी, सबको कबीर, सबकी आवश्यकता है। तो कई बार ये देखने में आता है कि हमको तो जी मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे वाला कबीर ही चाहिए, हमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की जो चेतना की जो बात कर रहा है, या जो जो जिस जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं, वो कबीर नहीं चाहिए। तो ये एक गुड़ी गुड़ी कबीर सबको सबकी एक डिमांड है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, इस दर्शना को आप कैसे
खोलने की कोशिश करते, या क्या वाकई में कबीर का जो मूल तत्व है, कबीर मतलब एक पूरा होलिस्टिक में बात करना चाहूंगा, उसमें भर्तरी भी है, उसके अंदर जो है दूसरे जो संत हैं जिनकी वाणियां गाई जाती है, वो सब उस अम्ब्रेला के नीचे आते। तो गोपाल जी, ऐसे कौन कौन से अन्य संत भी हैं जो जो आप जिनकी वाणियों को गाया जाता है? देखो, ये एक बहुत बड़ा वो जिसको बोलते हैं ना कि मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि यार मैंने इसका नाम राजस्थान कबीर यात्रा दे दिया, इसका मतलब सिर्फ कबीर नहीं, इसमें हम कबीर के अलावा बाकी सब संतों की वाणियां भी गाई जाती है। मीरा, बुले शाह, शाह लतीफ, विवेकनाथ जी, लादूनाथ जी, जितने भी अपने स्थानीय लोक संत हुए हैं उनकी भी वाणियां हमारे यहाँ गाई जाती है इस कबीर यात्रा में। लेकिन क्योंकि लोग कबीर यात्रा के नाम से इसको जानते हैं तो हम इसका नाम नहीं बदल सकते, ये हमारी एक लिमिटेशन है। बट कबीर यात्रा का मतलब सिर्फ कबीर यात्रा नहीं, तो उसमें मैं देखता हूँ कि जैसे विवेकनाथ जी की जो वाणी है, जिनकी समाधि बीकानेर में, इतनी जबरदस्त वाणियां, जैसे उनकी एक वाणी है डेडरिया छोड़ दे छिलरियरी आशा, ये किसी भी रूप में कबीर की वाणी से कम नहीं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या तो मेटाफर यूज किया है, क्या उन्होंने बात की है, लादूनाथ जी की वाणियां है ना, बुल्ले शाह की वाणियां है, शाह लतीफ की वाणियां है, सुफिस में तो इक्वली दे आर इम्पोर्टेंट, बट सबकी भाषा अलग अलग। जैसे आपने कहा कि इंगला पिंगला की का कबीर कहाँ है, तो एक जगह पे दिखता है कि कबीर की तो पूरी भाषा ही यौगिक है, वो सांस की बात करते हैं, सांस सुखमना सुषमना की बात करते हैं, शून्य शिखर की बात करते हैं, लेकिन ये हर इंसान का गेटवे नहीं हो सकता कबीर को जानने का। कभी कभी कबीर को जानने का गेटवे बहुत छोटा सा भजन, डेडरिया छोड़ दे छिलरियरी आशा, ये बहुत सिंपल भजन है जिसमें लिखते हैं कि वो डेडरिया मतलब डेडरिया जो जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं मेंढक, वो छिलरिया मतलब तालाब की आशा तू छोड़ दे, ये बहुत ही सामान्य शब्दों बहुत ही सामान्य भाषा का ये की वाणी है, उसके लिए शून्य शिखर इम्पोर्टेंट नहीं। कबीर को जानने का गेटवे तो ये सिंपल लोक वाणी है, उसके बाद जैसे जैसे आप इसके अंदर और गहरे उतरते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कबीर की यौगिक परंपरा को भी देखना चाहिए, शून्य शिखर क्या है, ये सुषमना क्या है, तो ये डिफरेंट लेयर से आए थे और सबके अलग अलग गेटवे। किसी को कबीर नहरवा से समझ में आएगा, किसी को कबीर किसी और चीज से समझ में आएगा। गोपाल, आप अपने आप को कौन से ट्रेडिशन में पाते हैं? मेरा मतलब है कि आपके लिए विषय महत्वपूर्ण है या विचार उसका? ये भी एक चीज है इसको मैं वहां से कनेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कबीर यात्रा में आते हैं वो उसके म्यूजिक से बहुत हमको लगता है कि म्यूजिक ठीक है बट उस पोएट्री की बात ज्यादा होनी चाहिए कि कह क्या रहे हैं। म्यूजिक ठीक है बजा, आप आपने डांस भी कर, तो जो गाया जा रहा है उसकी बात, उसकी गहराई दरअसल क्या है। तो विषय और विचार जो है ना वो दोनों को अलग अलग भी आप वैसे बाइफरकेशन नहीं कर सकते क्योंकि विचार उतना ही जरूरी है। मतलब विचार के बिना तो हम क्या बात करें, सिर्फ विचार के बिना सिर्फ ये एंटरटेनमेंट रह जाएगा कि आप आए, आपने डांस किया, आपको अच्छा लगा, वापस चले, आपने कंज्यूम कर लिया उस म्यूजिक को। बट मैं एक अलग चीज की बात करूं, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अगर आपको इसने कहीं छुआ है तो वो आपके विचार ने छुआ होगा, कबीर के विचार ने छुआ होगा। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, विषय भी इम्पोर्टेंट है और विचार भी इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक बाद में आता है जी, लेकिन वो अभी उल्टा रहा है जी, अभी लोग म्यूजिक पे ज्यादा फंस रहे हैं, विचार और विषय को थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं। अब तो गोपाल काफी बरस हो चुके आपको यात्रा और उससे जुड़े हुए कामों को करते हुए, तो कबीर साहब एक जगह बोलते हैं कि जो घर फूके आप लो वो चले हमारे साथ, तो क्या आपको कौन से ऐसे साथी मिले जिन्होंने अपना घर फूका और एक बड़ा घर, एक बड़ा जो है एक बड़ा घर बनाने की जो आपकी संकल्पना थी उसमें आपके साथ में जुड़े, तो
कबीर का जहाँ कहना है, गहना है और उसमें रमना है, तो ऐसे कौन से लोग साथ में आपके साथ में आए, आप क्या उनका जिक्र करना चाहें? आई थिंक राजस्थान कबीर यात्रा एक बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट है जी। और उसमें मैं उसका एक छोटा सा एक हिस्सा हूँ, आप भी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी हिस्सा रहे हैं। जब हमने 2012 की यात्रा शुरू की थी, उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। आपने देखा कि हम कितनी मुश्किलों से हमने वो यात्रा की, हमारे पास पैसा भी नहीं था और हमने मांग मांग के चीजों को आगे बढ़ाया। तो इसमें एक ये एक जर्नी रही, बहुत कठिन जर्नी रही, नो डाउट। आज हम जिस तरह से लग्जरी में हैं, उतना हमारे पास कभी भी एक कंफर्ट जोन नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे साथी, जयदीप, नवल, आप और ऐसे बहुत सारे सौरभ, ऐसे बहुत सारे अनगिनत मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरा बहुत एक बुरे समय में, मैं उसको बोलूंगा कि कठिन समय में मेरा साथ दिया और आज भी मेरे साथ खड़े हैं। चंद्र कुमार, जिनको आप भी आप परिचित हैं, वो सब मेरे बहुत हमसफर इस पूरे जर्नी में रहे। उसके बाद 2016 में मुझे लगता है कि उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, IPS। क्योंकि 2012 के बाद हम उसको वापस यात्रा को खड़ा नहीं कर पाए, हमको रोकनी पड़ी। 2016 में उस समय SP थे डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, और उन्होंने इस पूरी यात्रा को, कॉन्सेप्ट को समझा और उन्होंने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल मैं देखता हूँ 2016 के बाद जो भी हम कर पाए, उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हस्तक्षेप उनका रहा है और राजस्थान उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ी। जी जी गोपाल, कई बार हम पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं कि आपको और शबनम वीरमानी के साथ में आप मंजीरा बजाते हुए नजर आते हैं, तो शबनम से आपने क्या ऐसा सीखा, क्या ऐसा कोई ज्ञान आपके पास में आया या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि शबनम का अपना एक विस्तृत एक है एरिया है, तो आपने शबनम से क्या सीखा, तो हम भी उसको सीखना चाहते। आई थिंक इस पूरी जर्नी को अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक जो लेके आई है कोई व्यक्तित्व है, तो वो शबनम है जी। उन्होंने ही मेरा शुरू में हाथ पकड़ा और शायद, और वो हाथ अभी भी बहुत मजबूती से उन्होंने मेरा पकड़ रखा है। शायद वो नहीं होते मेरी जिंदगी में, वो नहीं आते, उनके साथ मेरा जुड़ाव नहीं होता, तो शायद मैं आज आपके सामने इस तरह से बात नहीं कर रहा होता कबीर यात्रा के बारे में। तो उनका बहुत बड़ा, मैं ये बोलूंगा कि रोल भी एक बहुत छोटा सा एक बात है, बट उनके साथ एक पूरी जर्नी मेरी रही है और उस जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पूरे यात्रा का कॉन्सेप्ट में उन्होंने मुझे, मेरी बहुत मदद की, बल्कि इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो हमने शुरू किया उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था, और बहुत सारे कलाकारों को जोड़ने में, उनके साथ यात्राएं करने में, और एक पूरा मॉरल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, एक जहां पे मैं फंस जाता हूँ कभी कभी, मुझे दिक्कत होती है चीजों को समझने में, उसकी क्लैरिटी मुझे वहां से मिलती है शबनम से बात करने के बाद। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और दोस्ती के साथ साथ उनके साथ मेरी एक जो म्यूजिकल जर्नी रही है, उनके साथ मंजीरा बजाते बजाते ये दुनिया एक अलग ही सुकून और एक अलग ही शांति वाली बात है जो मुझे उनके साथ इस पूरी जर्नी में मिली। तो आई थिंक सी, मतलब उनका तो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है मेरी इस पूरी जर्नी में। साधु न चले जमात, बींग सॉलिटरी इज अ वैल्यू इन कबीर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। लालन की नहीं बोरियां, ही सेज यू डोंट फाइंड रूबीज जूल्स इन सैकफुल्स, एक एक मोती मिलता है। हंसन के नहीं पात, कोई आज सुबह की वर्कशॉप में पूछ रहा था कि व्हाई ओनली हंस एज अ सिंबल फॉर द सोल, बिकॉज इट फ्लाइज अलोन, उसके फ्लॉक्स नहीं होते। सिंहन के नहीं लहड़े, लायंस डोंट ट्रेड द फॉरेस्ट्स इन हर्ड्स। और साधु ना चले जमात, and a true seeker walks alone, not in a crowd.
सतगुरु जागे आलम सारी सोवे 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 सतगुरु जागे आलम सारी सोवे 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 एक तो अच्छा किया कि एक पूरी पूरा बात ही उनके बारे में मैं कह पाया। गोपाल, मैं समझ सकता हूँ कि यह जो पूरी जर्नी है, ये जो पूरा काम है, ये आसान नहीं होता। ये भी एक लोक संग्रह का एक हिस्सा है, जहाँ पर आपको लोगों को साथ में जोड़ना होता है, जहाँ पर जस कहीं नहीं मिलता जी। आप कितना भी करते हैं तो जस नहीं मिलता। तो लेकिन और हर बार हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए शायद अंतिम है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और फिर से हम उस तरफ बढ़ते, फिर से खड़े होते हैं कि नहीं यार, फिर से कुछ काम करना है। तो ऐसी कौन सी प्रेरणा है, ये असल प्रेरणा कौन है आपके काम की असल प्रेरणा? आई थिंक एक एक वक्त आता है जब आप ये कहते हैं कि यार इसके बिना मैं जी नहीं सकता जी। ये किए बिना मैं जी नहीं सकता। तो आई थिंक ये यहां तक बात आ चुकी है कि अगर मुझे कोई बोले कि यार आपको मैं इस पूरी जर्नी से निकाल के आप क्या जिंदा रह सकते, तो जैसे आपको अगर मैं कहूं कि आप पेंटिंग छोड़ दो और मुझे जी के दिखाओ, तो बहुत मुश्किल होता है इसका आंसर देना, क्योंकि हमको पता होता है कि इसका आंसर यही होगा। तो गोपाल, ये बहुत सुंदर हम बोले, आप बोले प्लीज, आप बोले कि ये अगर सिर्फ मेरा एक प्रोफेशन होता जी, या मैं किसी के लिए कर रहा होता, तो शायद मैं छोड़ भी देता, चलो ठीक है यार, ये नहीं कुछ और, ये मेरे लिए प्रोजेक्ट जैसा कुछ नहीं है। तो ये यात्रा मेरे खुद की एक बहुत क्लोज जर्नी है, तो आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि यार ये छोड़ के चलो ये कर लेते हैं। क्रिएटिविटी की संभावना हमेशा रहती है कि हो सकता है मैं कभी यात्रा के नाम से कुछ ना करूं, कुछ और हम डिजाइन कर लें, लेकिन ये इस जर्नी से तो मैं अलग नहीं हो सकता। गोपाल, समय भी जा रहा है, ये अब आर पार की आपसे पास में कम है, तो इसलिए मैं बहुत फोकस करना चाहूंगा। काफी हमारी बातचीत हुई, हमने आपको जाना, आपके मार्फत यात्रा को जाना। कोई ऐसा अंदर आपके अंदर भाव जो पूछा नहीं गया हो, जो आप शेयर करना चाहते हो, जो अंतिम पड़ावों पर अपन अब हैं, तो ऐसी कोई चीज जो मन में है और मैं आप चाहते हैं कि आप शेयर करें? नहीं, आई थिंक आपने लगभग सारी बातें पूछ भी ली, और जो मैं कहना चाह रहा था वो सारी बातें आ भी गई। आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा कि यार ये बेसिकली इसको बोलते हैं ना कि ये पूरी जर्नी, पूरी यात्रा मैं देखता हूँ कि लोगों को किस तरह से इंस्पायर कर रही है। जो मेरे सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि जब मुझे लोग, जब हमारा एक यूट्यूब चैनल राजस्थान कबीर यात्रा का, जब उस पर कोई या कबीर यात्रा के बाद जो मुझे चिट्ठियां लिखते हैं लोग कि मेरे जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन थी ये जर्नी, या मैं बहुत दुखी था, मेरे अंदर मेरे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यात्रा में आने के बाद लोग रोते हैं, लोग मेरे सामने रोते हैं, लोग लिखते हैं, और मुझे लग रहा है कि यार अगर इस यात्रा ने किसी की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाया है, एक पॉजिटिव चेंज लाया है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक सेटिस्फैक्टरी मोमेंट रहता है। और YouTube में भी बहुत सारे लोग इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को देख के, डॉक्यूमेंट्रीज देख के लोग कमेंट करते हैं कि हमें एक बहुत नई दुनिया
देखने को मिली है, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत एक सेटिस्फेक्शन वाला एक मोमेंट रहता है कि ठीक है। गोपाल, हम समझ सकते हैं कि आपके पास जो है वो उसका अभी अंश मात्र भी हम नहीं छू पाए हैं, आपके पास में अथाह है, क्योंकि आपके पास में हमारे विज्ञान व्रत जो एक कवि है वो शायर है, वो कहते हैं कि तेरे मेरे बीच में कैसी ये तकदीर, तेरे पास कुबेर है मेरे पास कबीर। तो मैं मतलब आप भी मैं ही हैं और हम सभी उसी मैं के अंदर सम्मिलित हैं, हमारे पास कबीर है तो अथाह भी नहीं ले सकते, और समय निरंतर चल रहा है वो जा रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने आपको अंश मात्र भी नहीं छुआ या अंश मात्र भी नहीं हम उसमें उतर पाए हैं, लेकिन फिर भी जितना भी हमने जाना, जितना भी आपके मार्फत यात्रा को और पश्चिमी राजस्थान की इस वाणी परंपरा को पहचाना, उसके लिए मैं टीम सिटी लाइव से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद गोपाल, थैंक यू गोपाल, शुक्रिया। सतगुरु जागे आलम सारी सोवे 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 भटक भटक निंद्रा खोवे 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 मैं जागूं हरा मैं जागूं हरा सतगुरु जा
a platform to sharing your thoughts.